सो हाय गाइस, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं बस ट्रेड है। गाइस आज इस वीडियो में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूं। इस ट्रिक में आपको मैं बताने वाला हूं, सपोज आप कोई वेबसाइट पे कुछ पढ़ रहे हैं, कोई आर्टिकल पढ़ रहे हैं और आपको बहुत पसंद आ गया और आपको उसको कॉपी करने की इच्छा, यानी कि आप उसको सेव करके बाद में पढ़ना चाहते हैं, तो आप उसको पर्टिकुलर पूरे पेज को, पूरे आर्टिकल को ऊपर से लेकर ठेठ नीचे तक उसको पीडीएफ में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, मैं आपको बताने वाला हूं। तो ये जो टास्क हम परफॉर्म करेंगे गूगल क्रोम के एक्सटेंशन की हेल्प से परफॉर्म करेंगे, तो उस गूगल क्रोम के एक्सटेंशन का जो नाम है वो है गो फुल पेज और आगे आप लिखेंगे एक्सटेंशन और इसको आप सर्च कर लेंगे। ये सर्च करेंगे तो यहां पे आपके सामने गो फुल पेज एक्सटेंशन आ जाएगा। आप देख सकते हैं गो फुल पेज एक्सटेंशन और आगे यहां पे लिखा मिलेगा आपको फुल पेज स्क्रीन कैप्चर। ये दो अलग अलग एक्सटेंशन है, ये ऐड है इसलिए ऊपर आ रहा है, अदरवाइज आपको इस पे क्लिक करना है। तो इस पे जाएंगे आप, जाने के बाद आपके पास इस तरीके का एक आइकन आएगा, गो फुल पेज का जो आइकन है आप ये है, आप देख सकते हैं 5-star रेटिंग है और 50 लाख से ज्यादा इसके यूजर्स हैं। आप देख सकते हैं कितना ज्यादा पॉपुलर है। आप यूज कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं तो मुझे नहीं पता, इस 50 लाख में है नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए बताना ये जरूरी है। ठीक है, तो यहां पर आप इस एक्सटेंशन को क्रोम में ऐड कर लेंगे। मैं ऐड एक्सटेंशन करता हूं और ये जो एक्सटेंशन है ये इंस्टॉल हो जाएगा मेरे क्रोम में। ठीक है, और यहां पर आ जाएगा। ठीक है, अभी आप देख सकते हैं ये क्रोम एक्सटेंशन इंस्टॉल हो चुका है, वेलकम टू गो फुल पेज यहाँ पे आ गया है और ये एक्सटेंशन यहाँ पर आ गया है गो फुल पेज फुल पेज स्क्रीन। ठीक है, अब इसको यूज कैसे करना है वो देखिए। तो यहाँ पर सपोज मैं एक आर्टिकल यहाँ पे पढ़ रहा था, साइंटिफिक रिपोर्ट्स वगैरह यहाँ पे, तो टुवर्ड्स मशीन लर्निंग एडेड रियल टाइम रेंज इमेजिंग इन प्रोटोन थेरेपी, ये मैं पढ़ रहा था और सपोज आपको इसका फुल यहाँ पर पीडीएफ में इस पूरे आर्टिकल को ऊपर से नीचे तक जो भी आर्टिकल मैं चाहता हूँ बाद में इसको अपने फोन में ट्रांसफर करके फिर पढ़ लूँ, या फिर जैसे भी मैं इसका पीडीएफ रख लूँ बाद में पढ़ लूँ, ठीक है, या फिर मुझे अपने प्रोजेक्ट में काम में लेना है तब मैं इसको पढ़ लूँ, तब हम इसको कैसे पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, हालांकि यहाँ पर डाउनलोड पीडीएफ है, ये वेबसाइट मुझे डाउनलोड पीडीएफ का ऑप्शन भी दे रही है, लेकिन काफ़ी सारी वेबसाइट आपको पीडीएफ का ऑप्शन नहीं देती है। तो वहाँ पर आप कैसे करेंगे, तो आपको जस्ट वो अपना वेब पेज ओपन कर लेना है। वेब पेज ओपन करने के बाद आपको जाना है एक्सटेंशन पे, यहां पे क्लिक करना एक्सटेंशंस पे और यहां पे अपना जो गो फुल पेज वाला एक्सटेंशन है उस पे क्लिक कर देना। ये क्या करेगा आप देख सकते हैं, इस तरीके से ये कैप्चर करना शुरू करेगा। आप देख सकते हैं स्क्रीन कैप्चर इन प्रोग्रेस और यहां पर ये एक एक पेज को इस तरीके से खा रहा है, बाइट कर रहा है। ठीक है, ऊपर से नीचे तक पेज या फिर आप जहां पर भी जहां तक इसको कैप्चर करना चाहते हैं तो आप वहां पे क्लिक कर देंगे, अदरवाइज ये प्रोसेस कंप्लीट होने दीजिए, पूरा पीडीएफ यहां पे बिल्ड हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो देखते हैं किस तरीके से यहां पे प्रोसेस कैप्चर हो रहा है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहां पे प्रोसेस कंप्लीट होने वाला है और पूरा जो वेब पेज है वो यहां पे कैप्चर कर लिया है। आप देख सकते हैं अगर इसको इस तरीके से देखें तो यहां पे पूरा पेज यहां पे कैप्चर यहां पे नजर आ रहा है, इसको जूम करके भी आप देख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से अब आपको इसको पीडीएफ में कन्वर्ट करना है, तो यहां पे डायरेक्ट आपके पास ऑप्शन ऊपर ऑप्शन आ रहा है डाउनलोड पीडीएफ, तो डाउनलोड पीडीएफ पे क्लिक करेंगे, अलाउ करेंगे और अलाउ करने के बाद आप देख सकते हैं क्रिएटिंग पीडीएफ यहां पे आ रहा है, पेज बहुत लंबा है इसलिए यहां पे इतना लंबा आ रहा है और यहां पे स्क्रीन कैप्चर यहां पे आपकी पीडीएफ क्रिएट कर चुका है। ठीक है, ओपन करके देख लेते हैं इसको, पीडीएफ यहां पे हमारी क्रिएट हो गई है और पूरा यहां पे आप देख सकते हैं पेज वाइज यहां पे पीडीएफ क्रिएट हो चुकी है, टोटल यहां पे 26 पेज की यहां पे पीडीएफ यहां पे क्रिएट हुई है। ठीक है, जिसको मैं कभी भी किसी भी टाइम पढ़ सकता हूं, यूज ले सकता हूं और उस पीडीएफ को अपने पर्सनल काम में भी ले सकता हूं। आई होप कि जो जानकारी है आप एज अ स्टूडेंट आपके काफी काम आने वाली है। अगर काम आने वाली है तो थम्स अप दीजिए इस वीडियो को, कमेंट कीजिए कैसा है वीडियो, कैसी है इंफॉर्मेशन। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में नई इंफॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।